आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण के नाम पर भोपाल बुलाया गया। हमारे नवनियुक्त भाई और बहनों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी। उनको जो वेतन में कटौती की गई थी उस वेतन को बढ़ाना था। उनकी परीक्षा उधर 3 वर्ष की गई थी, उसको घटाकर 2 वर्ष करना था। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में हमारी माता बहनें अपने बच्चों को लेकर भोपाल में आई थी और प्रशिक्षण के नाम पर सरकार ने भोपाल बुलाकर उनके साथ में मजाक करने का काम किया है। ये एक तरह से देखा जाए तो शिक्षकों के साथ में बहुत बड़ा मजाक है। आपको शिक्षकों का सम्मान करना ही था तो आप व्यवस्थित तरीके से आप अपने हाउस में बुलाते, सम्मेलन के नाम पर बुलाते, आपने प्रशिक्षण के नाम पर आर्डर देकर यहाँ पर बुलाया और करोड़ों रुपए की बर्बादी की, जिसे पूरे प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। आज इसी पंडाल में बैठे हुए एक बहन का मेरे पास फोन आया, वो श्योपुर जिले से आई थी। 11 माह से उनको नियुक्त हुए, उसके बाद में आज तक वेतन नहीं मिला। आप कौन से सम्मान की बात करते हैं? आप कौन से गुरुओं को सम्मान देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? केवल और केवल इस सरकार ने शिक्षा जगत का और शिक्षा का जितना सत्यानाश किया, शायद ही कल्पना की जा सकती है। यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यदि शिक्षकों का सम्मान करना था, इनको प्रशिक्षण देना था, तो ऑनलाइन प्रशिक्षण दे सकते हैं। आज पूरा दुनिया में डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल की दुनिया है, तो बहुत सारे प्रशिक्षण ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन भी प्रशिक्षण दे सकते थे। किसी भी प्रकार का एक भी प्रशिक्षण की बात कुछ नहीं कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीठी मीठी बातें कही और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई कि नर्मदा जी अमरकंटक के बजाय विंध्याचल से 500 रुपए में निकलती थी। वेतन बढ़ाने का तो काम किया, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं थी जिसके समाधान की ओर सरकार ने आज तक एक भी कदम नहीं उठाया, इसी को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षक 5 सितंबर शिक्षक दिवस को पूरे ब्लॉक स्तरों पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। 24 सितंबर को जिलों में ज्ञापन देंगे और 2 अक्टूबर को भोपाल की सड़कों पर सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। और हमारी मांगों का निराकरण यदि सरकार ने नहीं किया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज इस पंडाल में पहुंचे हजारों भाई और बहन खुश होने के बजाय नाराज और दुखी होकर जा रहे हैं। उनके साथ में मजाक किया गया है। सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए।